क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल 2025 के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो रही है, क्योंकि 31 अक्टूबर का वो दिन है जिस दिन तक सभी टीमों को फाइनल रिटेंशन लिस्ट देनी है। और इस बार खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा रिलीज किया जाएगा, क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन होने जा रहा है। तो ऐसे में किस टीम में कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे, कौन कौन होगा रिटेन, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर इस बार नीलामी में जाने की तैयारी में। जी हाँ, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रोहित शर्मा पर बड़ी खबर आ रही है। और सभी टीमों में कौन से नाम छोड़ देंगे टीम को, कौन से होने वाले रिटेन, पूरी टीमों की लिस्ट आपको दिखाते हैं, बताते हैं, क्योंकि सारी टीमों में नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। तो आप भी इस लिस्ट पर, अपनी अपनी टीमों पर, आईपीएल टीम पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। तो इस बार मेगा ऑक्शन से पहले थोड़े बहुत नियम बदले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बार 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है। अब इन 6 रिटेन खिलाड़ियों में राइट टू मैच कार्ड भी शामिल है, यानी कि 6 खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा रिटेन किया जा सकता है। चाहे तो 4 टीमों को अगर फ्रेंचाइजी रिटेन करते हैं तो 2 आरटीएम कार्ड होंगे जिनको नीलामी में इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर 5 खिलाड़ी रिटेन होते हैं तो 1 आरटीएम कार्ड होगा, और अगर एक भी खिलाड़ी रिटेन नहीं किया जाता तो 6 आरटीएम कार्ड होंगे, यानी कि 6 खिलाड़ियों को अपनी टीम में बनाए रखने का विकल्प यहां पर मौजूद है। तो ऐसे में अब किस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन होने वाले हैं, जो बड़ी टीमों की बात हम आपके सामने करते हैं, सीधे सीधे आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा इसी टीम की है। तो महेंद्र सिंह धोनी फाइनली रिटेन होने जा रहे हैं बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी। जी हाँ, यहां पर अनकैप्ड खिलाड़ी के लिए 4 करोड़ की बेस प्राइस रखी गई है। तो धोनी 4 करोड़ की प्राइस में रिटेन होंगे। और यहाँ सीएसके के लिए रिटेन होने वाले नंबर 1 खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़, जो कि कप्तान है, वो नहीं होने वाले। रविंद्र जडेजा यहाँ पर रिटेन होने वाले पहले खिलाड़ी होंगे, ऋतुराज दूसरे खिलाड़ी, और उसके बाद समीर रिजवी, ड्वेन कॉनवे और शिवम दुबे को भी यहाँ पर रिटेन किया जा सकता है। आईपीएल की एक और धमाकेदार टीम एलएसजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर केएल राहुल लगभग रिलीज होने वाले हैं। जी हाँ, राहुल को लेकर बड़ी खबर यही है कि राहुल को रिटेन नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, मयंक यादव को यहाँ पर बड़ी प्राइज मिलने जा रही है। मयंक यादव को बड़ी प्राइज पर लखनऊ की टीम रिटेन करेगी। इसके साथ साथ निकलस पूरन को भी यहाँ पर रिटेन किया जाना लगभग तय है, और पूरन को कप्तानी भी मिल सकती है लखनऊ की। दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ से भी धमाकेदार खबर है। बड़ी खबर यह है कि ऋषभ पंत इस बार रिलीज होने वाले हैं, और ऋषभ पंत ने खुद एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया था। उसके बाद से साफ हो गया है कि ऋषभ पंत इस बार अब दिल्ली की टीम में नहीं रहने वाले हैं, वो दिल्ली को छोड़ देंगे, उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा और ऋषभ पंत सीधे सीधे जाएंगे आरसीबी। जी हां, आरसीबी ऋषभ को खरीदने के लिए खासी इच्छुक दिख रही है। तो यहां पर दिल्ली की टीम में कौन से खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं वो आपको बताएं, तो यहाँ पर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये 2 ऐसे खिलाड़ी जिनको रिटेन किया जा सकता है। मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई की टीम में भी इस बार बड़ा बदलाव हो सकता है। रोहित शर्मा को लेकर कई तरह की खबरें आ रही है। रोहित शर्मा को लेकर कहा जा रहा था पहले कि वो रिटेन होंगे या नहीं होंगे, तो अब खबर ये है फाइनली कि रोहित शर्मा भी रिटेन होने को तैयार नहीं है। जी हाँ, रोहित शर्मा मुंबई की टीम का साथ छोड़ सकते हैं, रिटेन नहीं होंगे, ऐसी खबरें। और साथ ही साथ सूर्यकुमार यादव भी मुंबई का साथ छोड़ सकते हैं। सूर्यकुमार यादव ने भी रिटेन नहीं होने का फैसला किया, जबकि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को यहां पर रिटेन किया जा सकता है। तिलक वर्मा को भी रिटेन किया जा सकता है, 3 खिलाड़ी यहां पर मौजूद है। इनके अलावा निहाल वडेरा को भी बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी यहां पर रिटेन किया जा सकता है। हालांकि केकेआर को लेकर बात करें तो केकेआर के खिलाड़ी तय हैं, बहुत पहले से तय हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर का रिटेन होना तय है। इनके अलावा आंद्रे रसेल और सुनील नारायण को यहां पर रिटेन किया जाएगा, ये भी तय है। इसके बाद आरसीबी की बात करते हैं तो यहां पर सबसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली हैं, तो विराट का रिटेन होना तय है। लेकिन हाँ, विराट के साथ कौन रिटेन होगा ये अभी भी तय नहीं है। विराट कोहली तो यहाँ पर रिटेन होंगे, ये कंफर्म है, मगर विराट के साथ कोई दूसरा खिलाड़ी शायद रिटेन ना हो, तो ये भी बड़ी खबर नहीं होगी। जी हाँ, रिटेन कोई और खिलाड़ी शायद आरसीबी ना करे। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो यहाँ पर संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग को रिटेन किया जाना बिल्कुल तय हो चुका है। इन तीनों को 1-2-3 के सीरियल में रिटेन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ युजवेंद्र चहल को भी टीम में रखा जाएगा, चाहे तो उनको रिटेन किया जाए या फिर उन्हें आरटीएम कार्ड के जरिए टीम में लाया जाए। साथ ही साथ जॉस बटलर भी यहाँ पर टीम में मौजूद रहेंगे, उनको भी रिटेन किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे नहीं हैं जिनको रिटेन किया जा सके। हालांकि हैदराबाद की टीम नीतीश रेड्डी को यहाँ पर रिटेन कर सकती है, कप्तान पैट कमिंस को भी रिटेन कर सकती है। इसके अलावा
कोई और ऐसा नाम यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर यही वो नाम है, बड़ी टीमों के नाम है जिनको रिटेन किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है। लेकिन हाँ, बड़ी खबर यह कि केएल राहुल, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये बड़े नाम इस बार आईपीएल की नीलामी में आ सकते हैं और इस बार आईपीएल की नीलामी में सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं, बड़ी से बड़ी प्राइस इन खिलाड़ियों को मिल सकती है। तो आपका इस पूरी लिस्ट पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया की टेस्ट मैचों में ऐसी हार हुई है जो कि सालों साल तक याद रखी जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी जब 2012 में टीम इंडिया सीरीज हारी थी तो इतनी खराब तरीके से कभी भी भारतीय टीम अपने घर में सीरीज नहीं आ रही। लेकिन इस बार तो पहले टेस्ट मैच में बेंगलुरु में हाल खराब हुई, तो यहाँ पुणे टेस्ट मैचों में स्पिनर्स के आगे टीम इंडिया फेल होगी, ढेर होगी और सीरीज तक गंवा ली। और रोहित शर्मा के सिर पर, माथे पर वो कप्तानी वाला दाग लग गया जो कि मिटाए मिटेगा नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा ही कप्तान है और नाम खराब रोहित का ही हुआ है। तो अब इस मामले पर बड़ी खबर, अंदर की खबर यह है कि रोहित शर्मा ने इस हार के लिए, इस पूरे के पूरे गेम प्लान के लिए गौतम गंभीर को जिम्मेदार ठहराया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर से कहा है कि इस नए नए तरीकों से, इन बकवास के बातों से भारतीय टीम की हालत खराब हो रही है। जी हाँ, सबसे पहले बात आई पुणे टेस्ट मैच की, क्योंकि पुणे में टीम इंडिया ने टॉस जीता था और वहां पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किसी और का नहीं बल्कि हेड कोच गौतम गंभीर का था। गंभीर का ही मानना था कि ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी के लिए इससे बेहतर मौका और पिच हो नहीं सकती है, बाकी तो हम वापसी बाद में कर ही लेंगे, कुछ दिक्कत भी होती है। तो यहाँ पर इसीलिए बेंगलुरु में पहले टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी गौतम गंभीर की वजह से ली गई और टीम इंडिया 46 रन पर ढेर हो गई। और उसके बाद क्या हुआ सभी जानते हैं, भारतीय टीम बुरी तरीके से हारी, वो तो दूसरी पारी में थोड़ा बहुत रन बन गए, नहीं तो और भी खराब हार होती। अब उसके बाद यहाँ पुणे में जो हाल हुआ उसका भी जिम्मेदार गौतम गंभीर को ही माना जा रहा है। जी टीम इंडिया ने जो बल्लेबाजी की और तेजी के साथ बल्लेबाजी करने की कोशिश की, तो ये अप्रोच भी यहाँ पर गौतम गंभीर की थी, जबकि टेस्ट मैचों में टिककर खेला जाता है, तेजी के साथ साथ संभल कर भी खेलना होता है। लेकिन गौतम गंभीर तो हमेशा ही कहते रहे हैं कि उन्हें तेज खेलना पसंद है, तेजी से रन बनाना पसंद है और इसके लिए चाहे तो वो टेस्ट मैच भी गंवा सकते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ, लगातार दो टेस्ट मैच जब गंवा दिए तो उसके बाद रोहित शर्मा को भी अकल आई। जी हाँ, रोहित शर्मा ने साफ साफ हेड कोच को कह दिया है कि हमारा मैच टाइमिंग सही चल रही थी, हमारे गेम प्लान सही चल रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर के आने के बाद ही बिगड़ गए हैं। और इसी बात को लेकर ड्रेसिंग रूम में लड़ाई भी झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली को बीच में आना पड़ा। तू-तू में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच में बातचीत तक बंद हो गई। इसके बाद होटल रूम जब पहुंचे तो होटल में भी दोनों के बीच में विवाद हुआ और किसी छोटी सी बात पर विवाद हुआ, तो उसके बाद ये विवाद और बढ़ता चला गया और वहां पर भी विराट कोहली ने ही आकर बीच बचाव किया, क्योंकि विराट कोहली ही गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को संभाल सकते हैं, बाकी के खिलाड़ियों की और सपोर्ट स्टाफ की फिलहाल इतनी कुव्वत नहीं है और इसीलिए विराट कोहली यहां पर बीच में आए। लेकिन ये है कि साफ ये हो चुका है कि अब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में तलवारें खिंच चुकी हैं, दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। लेकिन हाँ, हार तो हुई है, करारी हार, शर्मनाक हार हुई है, तो इस हार का कोई तो जिम्मेदार है और उनमें से कप्तान और कोच दोनों में से या तो दोनों हार के जिम्मेदार हैं या फिर कोई ना कोई तो ऐसा है जिसकी वजह से हार ज्यादा हुई है। तो कुल मिलाकर यही वजह यहां पर बनती नजर आ रही है। हालांकि अब तीसरे टेस्ट मैच की भी तैयारी हो रही है, गौतम गंभीर ने भी फरमान सुना दिया कि दिवाली पर कोई अपने घर नहीं जाएगा, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, 30 तारीख को और 31 तारीख को भी यहाँ पर प्रैक्टिस की जाएगी और प्रैक्टिस मैंडेटरी होगी, यानी कि उस प्रैक्टिस को छोड़ नहीं सकते हैं। तो विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को भी घर जाने की छूट नहीं होगी। रोहित मुंबई में रहेंगे लेकिन अपने घर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हेड कोच गौतम गंभीर ने साफ कर दिया कि सभी को यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी और 1 नवंबर से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच की तैयारी करनी होगी, नहीं तो यहाँ पर बड़ा बवाल हो सकता। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम के अंदर बड़ा बवाल हो गया, टीम इंडिया में दो फाड़ नजर आ रहे हैं, साफ साफ कुछ लोग गौतम गंभीर की तरफ दिख रहे हैं तो कुछ कप्तान रोहित शर्मा की तरफ। अब देखना यह होगा कि तीसरे टेस्ट मैच में क्या होता है, क्या ये बवाल, क्या ये विवाद, क्या ये दो फाड़ और लड़ाई तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया पर भारी पड़ेगी या फिर रोहित शर्मा बदला ले पाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।